नवाज शरीफ सिंध में घूम रहा है और इस तरह पैसे अनाउंस करता फिर रहा है जैसे अंधा रेवड़ा बांटता फिर रहा है। ये नवाज शरीफ जो ऐलान कर रहा है वो सिर्फ सिंध के लोगों को बनाने की बात कर रहे हैं, सिंध के लोगों को बनाने की बात कर रहे हैं। सिंध असेंबली के इजलास में शदीद हंगामा आई, इमदाद पताफी की वजीर आजम पर शदीद तनकीद, सिंध के अवाम को गाली दे डाली। अपोजिशन अरकान का डिप्टी स्पीकर शहला रजा के डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी, मखसूस नशिस्तों पर अरकान की तब्दीली पर करारदाद पेश होने पर शोर शराबा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास में सियासी और कानूनी माहरीन की शिरकत, डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरे आम पर लाने से मुतालिक उमूर और अस्करी क़यादत के मौक़िफ़ का भी जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ऑफशोर कंपनीज केस की समाअत, अदालत ने इमरान खान के 2002 के कागजात नामजदगी और गोशवारों की तफसीलात मांग ली। इमरान खान नथिया गली में है, मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर जवाब देने के लिए वक्त चाहिए, वकील इमरान खान का मौकिफ। अदालत की नईम बुखारी को जुम्मे तक जवाब जमा कराने की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ सबूत वाज़े हैं, एक सीट जीतने वाली जमात पूरे पाकिस्तान में रातों रात कैसे आ गई? नून लीग के रहनुमा कप्तान पर बरस पड़े। दानियाल अजीज कहते हैं, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह की बातें हम सुनते आए हैं, इमरान खान भारतीयों से पैसे लेते हैं। हनीफ अब्बासी का इल्जाम, तलाल चौधरी बोले, हमने चंद साल का हिसाब मांगा तो खान साहब सुप्रीम कोर्ट को रास्ता भूल गए। इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई, नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ 6 केसेस फाइल किए हैं, नईमुल हक का जवाबी वार, बोले डॉन लीग्स और मॉडल टाउन की हकीकत सामने आनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है कि 6 मुकदमात एक ही कंप्यूटर से निकले हुए हैं, जीआईटी की खुफिया तहकीकात कबूल नहीं करेंगे। अथॉरिटी और अचारादारी का महाज भारतीय फौज में भी खुल गया, ज्वाइंट कमांड तश्कील देने पर भारतीय फौज के सरबराहों में संगीन इख्तलाफात। दिफा के लिए ज्वाइंट डॉक्ट्राइन बनाने पर आर्मी, फजाया, नेवी एक पेज पर नहीं। भारतीय फौज के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस का तहलका खेज इंकशाफ। 92 न्यूज ने किया गुर्दा स्कैंडल बेनकाब, FIA ने भी किया बड़ा काम, सियालकोट में छापा मारकर गुर्दा स्कैंडल में मुलविस बैन अल-अक़वामी गैंग का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल मजीद एक ट्रांसप्लांट का 40 लाख वसूल करता, क्लाइंट का बयान, मुत्तहिदा अरब अमारात, उमान और उर्दन से लाता, मुलजिम गिरफ्तार, डॉक्टर फवाद और अल्तमश के लिए काम करता। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की, कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल का मामला किसी तौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। नकल के पुराने व्हाट्सएप ग्रुप जेरे तफ्तीश आने के बाद नए ग्रुप सामने आ गए, 4 भारतीय नंबर्स भी मौजूद। उधर CTD ने पेपर आउट करने में मुलविस बोर्ड मैनेजमेंट के कई मुलाजिमों और निजी एजेंट को हिरासत में ले लिया। हाय उजूदे पश्चिमा का पश्चिमा होना, इंटरमीडिएट के पर्चे खत्म होने के करीब आते ही सिंध सरकार को आया नौनिहालों का ख्याल। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कई इम्तिहानी मराकज का अचानक दौरा, उधर हैदराबाद बोर्ड के तहत होने वाला रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम के इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने के मुतालिक समाअत, वकील लतीफ खोसा ने दलाल देते हुए कहा, इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं, इलाज के लिए मुल्क से बाहर ना जाने दिया गया तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, बाहर जाने दें, उनका अस्पताल रख लें। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने लतीफ खोसा को गैर जरूरी दलाल देने से रोक दिया। भारतीय शहरी उज़्मा के भाई ने अपनी बहन की वापसी के लिए भारतीय हुकूमत से मदद मांग ली, बहन के साथ धोखा हुआ, बाहिफाजत भारत वापसी यकीनी बनाई जाए, अदनान का भारतीय वजारत खारजा को अपील का खत। उज़्मा ने खुद को गैर शादीशुदा जाहिर किया, 92 न्यूज ने उज़्मा की बेटी की तस्वीर हासिल कर ली, ताहिर से जबरदस्ती निकाह का दावा भी रद्दी की नजर। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तालीम को फरोग देने के दावे महज दावे निकले, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में असातिज़ा ने पैसे बचाने के लिए मजदूरों के बजाय बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया। डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी का 92 न्यूज की खबर पर एक्शन, तहकीकाती टीम बना दी, 24 घंटे में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
भारत में अदालतें अवामी मसाइल हल करने के बजाय एक दूसरे से ही दस्तों गिरेबान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस करनान को 6 माह की कैद की सजा सुना दी। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस करनान ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों को 5 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी। पहला टेस्ट शाहीनों जबकि दूसरा वेस्ट इंडीज के नाम। सीरीज का कौन बनेगा सिकंदर, फैसले के लिए कल लगेगा मैदान। आखिरी टेस्ट से कबल ग्रीन कैप्स की खूब प्रैक्टिस। कौमी टीम ने खेलों के तीनों शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी। का हम शक्ल मुश्किल में पड़ गया। मैसी से मुशाबहत रखने वाला ईरानी तालिब इल्म स्टार बन गया। रजा के साथ सेल्फी बनवाने के लिए जमे गफीर उमड़ आया। पुलिस के लिए बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मसला हल करने के लिए रजा को कुछ देर जेल की हवा खाना पड़ गई। और दूसरी जंगे अजीम में जर्मनी को शिकस्त देने पर रूस में यौम फतह। विक्ट्री डे की तकरीब में रूस के जदीद हथियारों का शानदार मुजाहिरा। कई शहरों में फौजी परेड, आतिशबाजी और कॉन्सर्ट्स का अहतमाम।